Dear students, good afternoon. As you know, we have finished our poem number three. That is the Bengal Salal. Today we are going to start its textual questions. Here it is, first question thinking about the poem. Who is the speaker in the poem? You know, the speaker of this poem is here. The speaker is a bengal seller. Question number two: how are the bangles, bangles described in the first stanza of poem? And who are these? बैंगल्स फॉर द बैंगल्स डिस्क्राइबड हेयर और डेलीकेट एंड ब्राइट यानि जो चूड़ियाँ बेचने वाले की चूड़ियाँ हैं वो काफ़ी डेलीकेट नाजुक और ब्राइट चमकीली हैं दे लुक लाइक रैनबो टड सर्कल्स सर्कल ऑफ लाइट दीज़ बैंगल्स आर फॉर डॉटर्स एंड वाइव ये जो चूड़िया वाला चूड़िया बेचता है ये बेटियों और जो आ, अजवाज होते हैं जवजा की जमा इनके लिए ये आ, चूड़िया बेचते हैं सो थर्ड क्वेश्चन हियर द पोइट यूज डिफरेंट सिमल सिमल फॉर द बेंगल वट आर दीज यहाँ पर पोइट ने सिमल दैट मीनज उर्दू में हम इसको कहते हैं तशबी किसके साथ इसका तशबी किया है वट आर दीज किन किन के साथ द इज तशबी यूजड इस्तेमाल की गई इन द पोईम आर जो इस नजम में है सिल्वर एंड ब्लू एज द माउंटेन मिस्ट माउंटेन मिस्ट हो गई जो पहाड़ की धुंध है आई सी सिल्वर और ब्लू कलर की जो मेरे पास बैंगल्स है वो माउंटेन मिस्ट जो पहाड़ की सुबह के वक़्त धुंध होती है उस जैसी होते हैं फ्लशड लाइक बड्स दैट ड्रीम कुछ में डली हुई कलियों के जैसी जो देखती रहती हैं खाब तो दूसरा है इसका किन किन से इसके सिमिलर्स है फील्ड्स ऑफ सनलाइट कॉर्न कुछ में सूरज के किरणों से तेज मक्के के खेतों के जैसी दुल्हन ये दूसरी इसकी, इसकी सिमिलर्स है तो तीसरी है लाइक द फ्लेम्स ऑफ हर मैरिज फायर कुछ मैं उसके शादी के अग्नि की पालटूँ की जैसी जिस वक़्त यहाँ शादी होती है खासकर हिंदू सोसाइटी में तो जो अग्नि होती है उसके जो राउंड फेरे होते हैं जो उसमें वो आग होती है आग के कारण द फ्लेम्स ऑफ हर मैरिज फायर यानी उसके शादी के अग्नु, अग्नि की पलटू की जैसी ऐसी मेरे पास ये बैंगल्स हैं तो इनसे यहाँ पर पोइट ने सिमलीस दी है तशबी दी है तो दूसरा है द फील्ड्स ऑफ सनलाइट कॉर्न लाइक द फ्लेम्स ऑफ हर मैरिज फायर तो तीसरा है लाइक हर ब्राइडल लॉफ्टर एंड ब्राइडल टीयर जो आखिर में इसने लिखा है कि जो दुल्हन निकलते वक्त जो आंसू बहाती है और जिस वक़्त इस दुल्हन को दुल्हन बनना होता है उस वक़्त उसके उसके दिल में एक हंसी होती है एक खुशी होती है उस जैसा द ब्राइडल लॉफ्टर एंड ब्राइडल टर ब्राइडल लॉफ्टर जो उसकी दुल्हन के वक्त हंसी होती है और जो उसके निकलते वक्त विदाई के वक़्त जो उस वक़्त उसके जो आंसू होते हैं अपने पेरेंट्स को छोड़ने के लिए ऐसी चूड़िया मेरे पास है तो ये यहाँ पर पोइट का कहने का मतलब है तो हेयर ही, क्वेश्चन नंबर फोर नेम द डिफरेंट कलर्स ऑफ बेंगल्स मैंशड इन द पोइम वट डू दीज कलर्स रिप्रजेंट तो यहाँ पर द डिफरेंट कलर जो इसका बेंगल्स um, का है तो इसका जिक्र किया है यहाँ पर पोइट ने तो इनमें है सिल्वर ब्लू पर्पल बेंगनी गोल्डन सुनहरी और रैनबो uh, टेंटेड जो होती है जो रेनबो टेंटेड का मतलब यहाँ पोइट ने लिखा है कि मीन्स ए सिंपली ए ब्यूटिफुल वे ऑफ सेइंग सर्कुलर शाइनी ब्रेसलेट्स इन मनी डिफरेंट कलर्स ब्रेसलेट्स जो कंगन होते हैं उनके ये भी मेरे पास इन इनका कलर इसके कलर का भी ज़िक्र यहाँ पर किया है तो दूसरे कलर्स के साथ साथ जो टेंटेड कल न, सर्कल्स ऑफ रेनबो टेंटेड जो कलर है वो भी मेरे पास मौजूद है तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फाइव द वर्ड सम हैज़ बीन रिपीटेड इन द पोइम फॉर पर्पज़ वट इज़ इट तो यहाँ पर हेयर द वर्ड सम जो यहाँ पर बार बार इसका मैंशन किया गया है वर्ड एक है यहाँ पर सम तो इस सम को यहाँ मैं दिखाऊँगा आपको ये एस ओ एम ई सम हैज़ बीन यूज़ड फॉर डिफरेंट बैंगलस डफरेंट डिफरेंट स्टेजस ये देखिए आप फॉर डिफरेंट बैंगलस दैट और फॉर डिफरेंट पर्सनस एंड फॉर डिफरेंट पर्पज जो इसने एज के हिसाब से कोई मैडन है या कोई जो अपनी जर्नी को मुकम्मल कर दिया जिसके शादी के दस पंद्रह साल होंगे तो उसके लिए भी यहाँ पर ये वर्ड इस्तेमाल किया गया है सम तो जो मैडन होती है जो या जो मैरीड होती है उनके लिए भी इस वर्ड को यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन्स तो यहाँ पर सम आर मीट फॉर ए मैडनज़ रिस्ट सिल्वर एंड ब्लू एज़ The, as the mountain mist So, the stanza diya gaya. for a maiden's wrist So, in these lines, the poet wants to say that a bengal seller has different bangles and some are, these bangles are for an unmarried girl और कुछ तो इन जो कुंवारी लड़कियाँ हैं उनके लिए है। कुछ बैंगल्स मेरे पास हैं सम दे आर फॉर प्रॉपर साइज ऑफ द मेडनज़ रिस्ट जो मुनासिब जो पंद्रह सोलह सत्रह या उन्नीस साल तक की जो लड़कियां हैं उनके हथेली के हिसाब से मेरे पास बैंगल्स है वो बिल्कुल उनके लिए सूटड है मुनासिब है उनके लिए तो जो सम ऑफ दीज बेंगल्स और सिल्वर तो कुछ तो सिल्वर हैं और ब्लू हैं इन कलर जस्ट लाइक द माउंटेन मिस्ट तो जैसे माउंटेन मिस्ट जो पहाड़ की धुंध होती है उस जैसे कलर के बैंगलस मेरे पास मौजूद है तो यहाँ पर लैंग्वेज वर्क दिखाया गया है तो लैंग्वेज वर्क में रीड द पोइम वंस अगेन एंड फिल द ब्लैंक्स एज द पोइम तो यहाँ पर ये यह कहता है कि मुझे आप फिर पढ़िए इस पोइम को फिर इनको इन uh, वर्ड्स के साथ फिल द ब्लैंक्स में भर दिए बैंगल सेलर है यहाँ पर सनलिट कॉर्न है और uh, फ्लैक्ट ग्रे uh, रेनबो टिंटेड है तो इसको हम पहला जो है बैंगल्ज आर सेड

तो इसका दूसरा पार्ट है द पोइट हैज़ यूज सेवरल एक्सप्रेशन विच फॉर्म पिक्चर्स इन द रीडर्स माइंड तो यहाँ पर जो पोइट है उसके जहन में बहुत सारी इस, इसके जहन में बहुत सारी बातें आती है उनका इजहार विच फॉम तो इसने एक्सप्रेशन किया, किया है इसका इज़हार है विच फॉम पिक्चर एक तस्वीर बनती है उसके दिमाग में वो कौन सी दैट इज़ फील्ड्स ऑफ सन लाइट कॉर्न एंड सर्कल्स ऑफ लाइट पिक आउट मोर सच एक्सप्रेशन फ्राम द पोम तो हम यहाँ इसका ले सकते हैं फ्लश लाइक द बर्ड्स फील्डस ऑफ सन कॉर्न द फ्लेम ऑफ हर मैरिज फायर द ब्राइडल लॉफ्टर एंड ब्राइडल टीयर सर्कल्स या दूसरा है इसका जो यहाँ पर ही बुक में दिया गया है इस क्वेश्चन में दिया गया है रेनबो टेंटेड सर्कल्स तो बहुत सारी है यहाँ पर शाइनिंग लोड्स है माउंटेन मिस्ट है ब्रो ऑफ ए वुडलैंड स्ट्रीम ब्लूम दैट क्लीव्स मैरेज फायर एट्सट्रा ये सब इसका uh, दूसरे जो जो इसकी शक्ल अपने दिमाग में बनाता है ये पॉइंट तो इसका हम यहाँ पर इनका इसी पॉइम से ये आंसर निकाल सकते हैं तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन है यूज द क्ल्यूज टू कंप्लीट द वर्ड पैरामिट तो पहला जो है इसका एम ओ इससे क्या बनेगा वर्ड इसका बनता है एक्राउड, मॉब इसका बनता है एम ओ बी मॉब यहां यहां इसका बनता है मौत इसका बनता है मंथ तो चौथे का हम बना सकते हैं मदर तो पांचवे का हम बना सकते हैं मॉर्निंग और छठे का हम बना सकते हैं माउंटेन तो ये इसके लिए आपको एक असाइनमेंट है ये आप इसका खुद बना सकते हैं तो इसके साथ ही इसके सारे क्वेश्चंस हमने आज कंप्लीट किए हैं तो लास्ट में इसका मैं फोटो डालूँगा तो आपसे यही उम्मीद है कि आप वो होम असाइनमेंट करके देंगे और फिर इसी ई लर्निंग ग्रुप पर आप अपनी नोटबुक्स का फोटो आ, ल, ई लर्निंग व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगी थैंक यू